माननीय मंत्री जी। माननीय स्पीकर महोदय, देश के ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या काफी बड़े प्रमाण पर है, जिसका सामना हम सब लोग कर रहे हैं। सम्मान्य सदस्य ने जो भावना व्यक्त की वो भी बिल्कुल सही है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण होने चाहिए और ये रोजगार निर्माण करने के लिए स्किल डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है और स्किल डेवलपमेंट का जो ट्रेनिंग मिलता है उसके लिए सरकार ने अलग डिपार्टमेंट भी बनाया, स्किल डिपार्टमेंट। धर्मेंद्र प्रधान जी उसके मंत्री हैं और उनने स्किल डेवलपमेंट के अनेक प्रकार के ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए अनेक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता दी है। ये महेंद्र पांडे कर देना उसमें, मंत्री जी, मंत्री महेंद्र पांडे। महेंद्र संशोधन कर रिपोर्ट में, अब उसमें उनके तरफ से उनकी अनेक योजनाएं हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये करते समय गवर्नमेंट ने जो योजना बनाई है उसमें विशेष रूप से गवर्नमेंट की हमारी स्फूर्ति भी योजना है और जो उन्होंने विशेष रूप से प्रश्न पूछा कॉटेज इंडस्ट्री, तो कॉटेज इंडस्ट्री करके डेफिनेशन नहीं है, मैं समझता हूँ कॉटेज इंडस्ट्री यानी विलेज इंडस्ट्री। और इसका जो टर्नओवर है 84,000 करोड़ अभी हम लोग इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास है, खादी ग्रामोद्योग है, कुम्हार है, लोहार है, हमारे जूते बनाने की इंडस्ट्री, छोटे छोटे बहुत लोग इसमें कारागिर काम करते हैं। और हमारे चेन्नई में तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो प्राइम है, जो जूते बनाने का ट्रेनिंग देने का काम करता है, उसके लिए तो क्यू लगा हुआ है, क्योंकि इतने जोड़े पर उसकी डिमांड है। तो एक तरफ अभी हमने ये पहला ये तय किया है कि जो इंडस्ट्री जहां विशेष रूप से शुरू होगी वही स्किल ट्रेनिंग का काम देने का काम करेगी, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलेगा और स्किल भी मिलेगा। पर रूरल सेक्टर में यह संभव नहीं है क्योंकि वहां इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। पर इसमें जैसे आपको विदित होगा कि कुम्हार है, वो कुल्लड़ बनाते हैं। हमारे सरकार ने एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय किया, मैं केरल राज्य रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से मैंने रिक्वेस्ट की, खादी ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष मेरे पास आए और उन्होंने, मैंने ये रिक्वेस्ट उनको की कि रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक और पेपर के ग्लास के बजाय कुल्लड़ को मैंडेटरी किया जाए। और आज 400 रेलवे स्टेशन पर सम्मान्य स्पीकर महोदय कुल्लड़ को मैंडेटरी कर दिया। और इसका उपयोग ये हुआ है कि हजारों, करीब करीब 74,000 ऐसे यूनिट छोटे मोटे कुम्हारों के। बात कुछ कीजिए, कोई नया बात की? नहीं नहीं सुनो, अरे माननीय मंत्री जी को जवाब देंगे। तो ये इसको और बड़े प्रमाण पर जनरेट कर रहे हैं। जो नई बात करने की बात है, जो हमारे सम्मान्य मित्र पूछ रहे हैं, आपको बताता हूँ, पुराने काल में चाइना से अगरबत्ती आती थी और लोगों का रोजगार छीना गया था। और हमारे यहाँ अगरबत्ती इंडस्ट्री है, तमिलनाडु के सदस्य बैठे ये बताएंगे आपको। इतना भी नहीं, मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि आइसक्रीम खाने का चम्मच भी चाइना से आ रहा था। तो मैंने मजाक में कहा कि हमारे देश में क्या चमचों की भी कमी है। तो सम्माननीय सदस्य जी, अभी हमने चाइना से आए हुए सभी बांबू के प्रोडक्ट पर 30% ड्यूटी लगा दी और इसके कारण अब करीब 25 लाख महिला पुरुषों को रोजगार मिला है। 4,000 करोड़ का इंपोर्ट रुकेगा और ये पूरा काम लोगों को मिलेगा। दूसरी और जो सर, माननीय स्पीकर महोदय, हमारे देश की जूतों की इंडस्ट्री चमड़े की 1,45,000 करोड़ की है। अब इसमें ऐसा है कि 85,000 करोड़ का डोमेस्टिक यूज है और करीब 45 से 50,000 करोड़ एक्सपोर्ट है। और इसलिए अभी इसी इंडस्ट्री के कार्यक्रम में मैं गया था और ये बड़े प्रमाण पर कारागिरों को काम देती है। तो अभी हमने ये तय किया है कि जो चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं वो ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी लाना चाहिए, कौन सा इनोवेशन लाना चाहिए, कौन सी नई मशीनरी लानी चाहिए, इसका ट्रेनिंग हम देने की योजना बना रहे हैं और उसको कुछ टैक्स एग्जम्पशन कैसे दे सकते हैं ताकि एक्सपोर्ट बढ़े और नए रोजगार निर्माण हो। और दूसरी ओर हमने पैरेलल ये अध्ययन शुरू किया है, कॉमर्स सेक्रेटरी और हमारे दोनों ज्वाइंट सेक्रेटरी कमेटी अध्ययन, आज ही मेरे यहाँ प्रेजेंटेशन है कि हमारा जो इंपोर्ट हो रहा है वो इंपोर्ट हम कैसा कम करें, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इकोनॉमी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, और दोनों से एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, रोजगार की क्षमता बढ़ेगी। अब उदाहरण के लिए आप कह रहे, मैं नई चीज आपको बताता हूं, हनी है। तो माननीय स्पीकर महोदय, हमने हनी का अभी बजट 10 गुना बढ़ा दिया है और जो मैसूर की इंस्टीट्यूट है
उसको बुलाकर लोग चाय में बड़े बड़े होटल में वो छोटे से कागज की बैग में शुगर होती है वो साचे में डाल के शुगर हम कॉफी में डालते हैं। अभी हमने एक नया प्रयोग किया और आज भी आने वाले 2-3 महीने में वो खादी ग्रामोद्योग तो लॉन्च करने जा रहे हैं, हम हनी का क्यूब बनाएंगे। हनी नहीं मानी चाहिए, माननीय मंत्री जी सक्षम है, आपको जवाब देने के लिए लिखा मैंने, आप चिंता मत करिए। माननीय सदस्य मंत्री जी सक्षम है, आप मत बोलिए, आपको मैं बताता हूँ वो सही कह रहे हैं, हनी से मनी आने वाली है, क्योंकि हनी के अभी जो क्लस्टर बन रहे हैं, जो हाई एटीट्यूड का हनी है जम्मू कश्मीर अरुणाचल और उत्तराखंड में, उसकी अपने अमेजॉन के साइट पर 7,000 किलो उसकी कीमत है। और अभी हम लोग हनी का प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ा रहे हैं, वो पेटियां बांट रहे हैं, उसका क्लस्टर बना रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, जो अरुणाचल मेघालय त्रिपुरा बिहार यूपी जंगल और सब एग्रीकल्चर में फायदा होगा, और हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोसेसिंग प्लांट होगा, और स्पीकर महोदय उससे हनी के क्यूब बनेंगे। और मैं आपको अगले 6 महीने के बाद आपके ऑफिस में भी आप शक्कर नहीं यूज करोगे, एक हनी का क्यूब चाय में डाल के चाय पियोगे, तो हनी का यूज जो है वो 10 गुना बढ़ेगा, तो ट्राइबल्स और किसानों को कितना रोजगार मिलेगा, कितना हनी कलेक्ट होगा, उसी से मनी मिलेगा। तो मैं सम्माननीय सदस्यों को ये विश्वास देना चाहता हूं कि हमारा पूरा फोकस अर्बन एरिया के उद्योगों पर नहीं है, हमारा पूरा फोकस ग्रामीण कृषि और ट्राइबल क्षेत्र पर है। ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट होगा, वहां से जो माइग्रेशन हो रहा शहर की तरफ आकर वो रोकेंगे, और इतना ही नहीं तो जो लोग शहर में आए हुए फिर से वापस अपने गांव की तरफ जाएंगे, ऐसी नीति हमने बनाई है। खादी ग्रामोद्योग का टर्नओवर बहुत बड़ा है, अब ये विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं, और रूरल और ग्रामीण और एग्रीकल्चर सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग फ्रूट प्रोसेसिंग ऑयल जो जो इंडस्ट्री का संबंध है उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो ग्रामीण भाग में बंद पड़े हुए उद्योग है उनको फिर से सुधारने की योजना बना रहे हैं, और ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में स्किल के साथ ज्यादा से ज्यादा उद्योग निर्माण हो, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था वी नीड मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर, तो इसी के आधार पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में निर्माण करने के लिए विभाग की ओर से फोकस किया जाएगा, और आप जो अपेक्षा व्यक्त कर रहे हैं उसको प्राथमिकता दी जाएगी, और बिहार में भी इसके ऊपर हमने प्रायोरिटी देकर हम काम कर रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी, सोनिया गांधी जी आप पूछना चाहती थी कुछ? नहीं आप, मैंने बात कर, मैंने आप पूछना चाहते थे? अधीर रंजन जी आपको कल आपने 20 क्वेश्चन करके रिकॉर्ड बना दिया। अच्छा अच्छा, तो सर आज भी हमें छोटा मौका देना चाहिए, अगर मंत्री खुद कहेगा तो ओके ठीक है। आप है ना शून्यकाल के अंदर बिना बिना विषय के 15 मिनट खराब किए शून्यकाल में। रोडूलाल जी नागर, युवा अध्यक्ष महोदय मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं। एक समय था कि देश के लगभग हर गांव में हर घर में कोई ना कोई लघु और कुटीर उद्योग था, आज ऐसी स्थिति में कमी आई है। क्या सरकार विस्तृत जवाब दे देश का तो नहीं, नहीं। सूक्ष्म उद्योग और लघु उद्योग को वैश्विक स्तर के वो निर्माण कर सकें, और जो निर्माण कर रहे हैं उस उत्पाद का बाजार में ऑनलाइन फ्लिपकार्ट है अमेजॉन है इस तरह से उसका विक्रय भी हो सके, इसके लिए सरकार की कोई योजना हो सकती है क्या? सम्मान्य सदस्य पूछ रहे बहुत महत्वपूर्ण बात है। चाइना की जो प्रगति हुई है अलीबाबा के कारण हुई है, अमेजॉन के कारण कितना बड़ा सेल है, कितना बड़ा उसका वॉल्यूम है, और पहली बार हमारी सरकार आने के बाद और इस विभाग में माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोग एक भारत क्राफ्ट करके नया पोर्टल तैयार कर रहे हैं, और 5 तारीख को मैं स्टेट बैंक के चेयरमैन साहब से भी मेरी मुलाकात है, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये पोर्टल स्टेट बैंक और हम मिलाकर चलाए अगर संभव हुआ तो, और इसके में एमएसएमई के सब प्रोडक्ट रहेंगे, और न्यूयॉर्क में बैठे हुए कोई व्यक्ति कश्मीर में बनी हुई वो जो अच्छी शॉल होगी वो वहां से खरीद सकेगा। इस प्रकार का ये ई कॉमर्स का पोर्टल भारत क्राफ्ट के नाम से हम तैयार कर रहे हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि बैंक ऑफ आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च,
इसके बारे में हम लोग एक वेबसाइट खोल रहे हैं और इसके द्वारा जो भी अच्छे नए नए इनोवेशंस हैं उनको हम लोग ला रहे हैं। मैं आपको स्पीकर साहब आपको बता दूं, मैं इतना प्रभावित हुआ, कल मैं मानेसर में गया था, हमारे लोगों ने हाइड्रोजन पर चलने वाली कार तैयार की, हाइड्रोजन से फ्यूल सेल तक आगे चले गए, छोटे छोटे लड़के हैं इंजीनियरिंग आईआईटी के ग्रेजुएट्स हैं, उनका स्टार्टअप है, इतना रिसर्च कर रहे हैं, इतना माहौल बदल गया है कि जिसको हम नॉलेज कहते हैं, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड स्किल, उसको हम नॉलेज कहते हैं, कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इंटू वेल्थ एंड कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इंटू वेल्थ। मैं आपको पूरा विश्वास देता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में भी इसी प्रकार का काम हो रहा है और आने वाले दिनों में मैं ये आपको विश्वास देता हूं कि एमएसएमई के द्वारा आज के देश के ग्रोथ में 29% ग्रोथ एमएसएमई के कारण है। हम इसको 50% से ज्यादा 5 साल में लेकर जाएंगे। अभी तक 11 करोड़ जॉब क्रिएट हुए हैं, हम कम से कम 5 करोड़ नए जॉब क्रिएट करने का लक्ष्य रखकर काम कर रहे हैं। हमारे एक्सपोर्ट में 49% एक्सपोर्ट एमएसएमई का है, उसको हम 60% तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए पूरी पैसा भी दे रहे, लोन भी दे रहे, इंश्योरेंस करके विदाउट कोलैटरल ज्यादा लोन कैसा मिले उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 145 लाऊ श्री कृष्णा